हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज अपन टॉपिक एसएससी आरआरबी एनटीपीसी एमपीपीएससी बैंक पीओ है ना, और टीचर्स एग्ज़ाम पटवारी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी रीजनिंग का टॉपिक है। आइए दोस्तों शुरुआत करते पहले क्वेश्चन से। यहाँ 14 दिया है, यहाँ 26 है, फिर 52 है, 98 है और 194, और यहाँ क्या आएगा? ये चार ऑप्शन आप सामने। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं इसको बड़ा ध्यान लगा के, तो कहीं ना कहीं 14 × 28 यानी कि 2 गुने से थोड़ा कम है। करते देखे इसमें 2 का गुणा करें -2, तो 14 × 2 कितना होगा 28। 28 − 2 घटाएँ तो 26, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखते हैं 26 में 2 का गुणा करें -2, 26 × 52 में से 2 गए तो 50 आ गए। फिर 2 का गुणा करें -2, 50 × 100 में से 2 गए तो 98 बच गए। इसी तरह यहाँ पे 2 का गुणा करें -2, तो 8 × 16 6 + 1 और 2 × 18 = 19। अगर इसमें 2 माइनस करें तो 194, बिल्कुल सही है। तो ये ट्रिक यह लगाएंगे दोस्तों कि इसमें 2 का गुणा करके -2 करेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 18 = 8 + 1, 2 × 2 = 3, 388 में से 2 गए तो 386 बचेगा, जो किसी ऑप्शन में आ रहा बिल्कुल बी ऑप्शन इसका मैच करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 है, यहाँ 61 है, यहाँ 91 है और यहाँ बहुत बड़ी संख्या आ रही है। देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है, देखते हैं कितना कम है। तो 11 में 7 गए तो 4, 5 में 3 गए तो 2, यानी कि 24 आए, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं कितना अंतर है, 1 में से 1 गया तो 0 और 9 में से 6 गया तो 3, 30 का अंतर आ रहा। फिर यहाँ देखते हैं अंतर बराबर नहीं है, यहाँ देखते हैं 7 में से 1 गया तो 6 आया और 12 में से 9 गया तो 3 आए। फिर यहाँ देखते हैं तो 9 में से 7 गए तो 2 आए और 6 में 2 गए तो 4 बचे, ठीक है। अब ये सब भी डिफरेंस अलग अलग तरीके से, यहाँ 24 आ रहा, 30 आ रहा, 36 आ रहा, 42 आ रहा, ठीक है। इनमें अंतर देखते हैं दोस्तों, तो 36 30 में 24 गए तो 6 बचे, ठीक है। 36 में 30 गए तो यहाँ भी 6 बचे, बिल्कुल सही आ रहा। 42 में 36 गए तो 6 बचे, यानी कि ये सम आ रहा, यहाँ सम संख्या आ रही है। कौन संख्या आ रही है? सम संख्या आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी संख्या यहाँ पे बननी चाहिए अपनी, और वो संख्या क्या बनेगी दोस्तों वो देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये इसमें जोड़ा तो ये संख्या बनी, 24 इसमें जोड़ा तो ये संख्या बनी, ठीक है, अगली संख्या बन रही। 30 इसमें जोड़े तो 91 बने, ठीक है। ये इसमें जोड़ा तो ये संख्या बनी, ये इसमें जोड़ा तो ये संख्या बनी। अब यहाँ क्या जोड़ेंगे देखो, फिर इससे ये 6 अधिक है, अगली संख्या कितनी, इसमें 6 जोड़े तो ये संख्या बन रही, तो इसमें 6 जोड़े, 42 में 6 जोड़े, देखो यहाँ क्या संख्या बनेगी, यहाँ 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 6 × 2 कितना बनेगा 8। और देखो 6 × 24, 6 × 30, 36, 42, 48, तो यहाँ 48 आ रहे। तो ये दोनों देखो, इसमें ये संख्या इसमें जोड़ी, ये इसमें जोड़ी, ये इसमें जोड़ी और ये इसमें जोड़ी, तो ये 48 इसमें जोड़ेंगे, तो 8 × 9 = 17 के 7 + 1 और 6 × 4 = 10 × 11 = 1 + 1 × 2 217 बन रहा है। 7 देखो यहाँ 17 में 9 गए तो 8 बचे, 10 में 6 गए तो 4 बचे, 1 × 6 = 48 आए, ठीक है। यानी कि 217 यहाँ पे मैच कर रहा अपना, तो किसी ऑप्शन में आ रहा बिल्कुल 217 ये इसका राइट आंसर बन रहा। तो कभी कभी बहुत ही और एक स्टेप पे आंसर नहीं मिलते, अगले स्टेप तक जाना पड़ता है तब जाके आंसर मिलते हैं।
तो अपन आगे स्टेप तक जाए और बड़ी अच्छी तरह अच्छे अच्छे दो को कॉमन हो गए सब में। और अगला ये इसमें छः जोड़े तो ये आ गया, और ये इसमें जोड़ा, इसमें छः जोड़ा तो ये आ गया, और ये इसमें जोड़ा ऐसे, ये इसमें जोड़ा तो ये संख्या बन गई। आयोग के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फिर यहाँ डैश लगा, फिर ए सी ए बी ए डैश, ए डैश और ए सी ए बी ए डैश। अब दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि इसका लेटर काउंट करते हैं, कितने लेटर है। देखो एक दो खाली, वो भी तो लेटर है, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह आ गया। कितने आ गए दोस्तों, सोलह आ गए। इसमें चार से डिवाइड करेंगे तो चार चौक सोलह, यानी कि चार चार का एक पहले ग्राफ बनेगा, चार चार का एक पहले ग्राफ बनेगा, एक जोड़ा बनेगा। तो एक दो तीन चार, ये डंडा, एक दो तीन और चार, एक डंडा, एक दो तीन चार, एक डंडा और एक दो तीन चार, यानी कि चार जोड़े बने, चार पेयर बने गए इसके। अब ये देखना है दोस्तों कि यहाँ ए बी ए, तो ये बी अगर यहाँ है तो एक बी यहाँ पे मिला सकते अपन, तो कि ए बी ए सी, तो ए बी ए तो हो गया, इस जोड़े से ये मिल गया। लेकिन फिर इसके आगे बन रहा है सी बन रहा है, तो ए बी ए सी ये पूरा जोड़ा बन गया। अगर यहाँ ए बन रहा है यहाँ भी ए, तो यहाँ ए बी ए है ना, तो बी यहाँ पे भी लगा देंगे, ए बी ए सी, तो ए बी ए सी, तो क्या जोड़ा बना अपना, ए बी ए सी, ये जो ये बना पैराग्राफ क्या बना, ए बी ए सी, ए बी ए सी, चारों पेयर इसमें मिलते एक दूसरे से है ना, चारों पेयर एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ए बी ए सी। तो कौन सी चीज़ जोड़ी अपना यहाँ पे, ए नहीं जो, ये तो ए बी सी पेयर बना, और अपने जोड़ा क्या है, बी सी, देखो जोड़ा अपना बी सी बी सी, बी सी बी सी जोड़ा अपना, तो कहाँ पे आ रहा है बी सी बी सी, बी और सी बी सी, ए ऑप्शन अपना मैच कर गया, बी सी बी सी, ए ऑप्शन इसका अपना मैच कर रहा है, बी सी बी सी, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, देखिए राहुल का किसी पंक्ति में दोनों ओर से आठवां क्रम है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखो ये एक पंक्ति है, तो अगर लेफ्ट हैंड से गिने तो भी ये आठ नंबर पे आ रहा है, राइट हैंड से गिने तो भी ये आठ नंबर पे आ रहा है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, लेफ्ट साइड प्लस राइट हैंड माइनस वन बराबर टोटल, तो लेफ्ट से आठ, राइट से भी आठ माइनस वन बराबर, तो आठ नंबर सोलह में से एक गया, तो कितना बचा, पंद्रह बचा, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, पंद्रह, बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा सवाल देख लेते हैं। देखिए जयेश रमेश से लंबा है, जयेश रमेश से लंबा है तथा रमेश नंदू से छोटा है। देखो जयेश दो स्टेप बनेगा, एक तो ये जयेश रमेश से लंबा है बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा रमेश, एक तो ये हो गया। फिर कह रहा था रमेश जो है नंदू से छोटा है, रमेश जो है ये नंदू से छोटा है, तो बीच में कहीं ना कहीं ये नंदू फंस रहा है, नंदू नंदू जयेश रमेश से लंबा है, रमेश से तो लंबा है लेकिन तथा रमेश नंदू से छोटा है, तो रमेश जो है ये नंदू से छोटा है, यानी कि ये रमेश बीच में आएगा, ये कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। ठीक है अगला क्या कह रहा है, सतीश विनोद से लंबा है। देखो
सतीश विनोद विनोद से लंबा है ठीक है, लेकिन रमेश से छोटा है। सतीश जो है ये रमेश, लेकिन रमेश से छोटा है। सतीश क्या है? रमेश से छोटा है, तो यहाँ आएगा रमेश। विनोद से तो लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है ना। ये लाइन इसकी बराबर है, देखो ये यहाँ तक की लाइन होगी इसकी, यहाँ तक की कि सतीश विनोद से लंबा है, विनोद से तो लंबा है, लंबा है लेकिन लेकिन ये किससे छोटा है? रमेश से छोटा है। तो सतीश रमेश से छोटा है। फिर आगे क्या कह रहा है? नंदू जयेश से लंबा है, से छोटा है। नंदू जो है जयेश से छोटा है। अब नंदू इसमें आया नहीं, जयेश से छोटा, बिल्कुल सही है। नंदू जयेश से छोटा है, बिल्कुल सही है, बीच में आ रहा है ना। लेकिन आगे क्या कह रहा? नंदू जयेश से छोटा है और सबसे लंबा कौन है? पूछे सबसे लंबा कौन है। तो आपकी एक स्टेप तो ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। अब क्या पता लग रहा है आपको? ये रमेश और ये रमेश यहाँ आ गया, तो सबसे आगे कौन है? जयेश। देखो अगर एक से लगिन में रखें जयेश और ये बड़ा नंदू आ गया बीच में, नंदू और नंदू छोटा रमेश, और रमेश से छोटा कौन है? फिर ये सतीश और इसे छोटा विनोद। तो सबसे छोटा तो कौन आ गया? विनोद आ गया। और ये कह रहा है सबसे लंबा कौन है? तो जयेश आ गया। तो जयेश आ रहे से बी ऑप्शन पर मैच कर गया, बी ऑप्शन पर मैच कर गया। अगला कह रहा है कि आज गुरुवार हैं तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कितने दिन पूछा इसने? 50 दिन बाद है ना। तो दोस्तों 50 में 7 से डिवाइड कर दें, 7 × 7 = 49, एक बचा, एक जो शेष रहता है ये अपनों को आंसर देगा। यानी कि गुरुवार है, गुरुवार के बाद अगला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, क्योंकि इसके बाद अगला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? शुक्रवार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड आटा गेहूं के बीच सही वे ना रहे। तो ब्रेड कैसे बनती है? आटा से, और आटा कैसे बनता है? गेहूं से। कहीं ना कहीं तीनों मिक्स चीज़ें, ब्रेड बनती आटा से और आटा बनता है गेहूं से। तो यदि ये ब्रेड है तो ब्रेड कैसे बनती है? आटा से, और आटा कैसे बनता है? गेहूं से। ये आकृति होगी गेहूं की, ये गेहूं है तो ग्रेन से क्या बना? ब्रेड, आटा, और आटा से क्या बना? ब्रेड। गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बना, तो कहीं ना कहीं ऐसी आकृति इसकी राइट आंसर होगी। ये तीनों एक दूसरे के अंदर आते हैं, तो यह आकृति इसकी राइट आंसर होगी। अगला है खिड़की दरवाज़ा और घर। देखो ये अगर खिड़की है तो ये अलग है, दरवाज़ा भी अलग होता है। खिड़की छोटी हो, दरवाज़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? घर के अंतर्गत आते हैं। ये खिड़की है और अगर ये दरवाज़ा है तो दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? घर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा। ये खिड़की दरवाज़ा और ये घर के अंदर। इसी तरह ये सितार और ये गिटार और ये वाद्य यंत्र। देखो ये सितार अलग है, गिटार अलग है, लेकिन दोनों है वाद्य यंत्र। ये अगर सितार ले लूँ मैं और इसको अगर गिटार ले लूँ तो दोनों किसके अंदर? वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति इसकी राइट आंसर होगी ये वाली। अगला कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ जोड़
तो इसका मान बताइए, इसने क्या करा, प्लस की जगह क्या लगाया, भाग लगाया, तो ये 48 से अपने हैं, ये प्लस है, इसकी जगह अपन क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। फिर माइनस का तो कुछ बताया नहीं इसने, नहीं बताया, तो माइनस ऐसे रख दो। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो ये भाग इसका अर्थ क्या होगा, गुणा कर दिया, और गुणा का अर्थ जोड़ कर दिया, ये गुणा है, तो इसकी जगह क्या कर दिया इसने, जोड़। अब पूछा है बताओ, तो सबसे पहले क्या करें दोस्तों, भाग करेंगे तो 16 + 48 3 आ गए, फिर बाद गुणा करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो गया, प्लस 8, तो प्लस के 8 माइनस के 8 कट गए, बचे कितने, 3। 3 इसका राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।